ढोंडू जसिल। जी हाँ गाइस, आज चिल करके बैठिए क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ से एक बिहारी एक छोटे से जगह से निकल के ना जाने आज कितने बड़े नाम कमा चुके हैं। दरभंगा में बोलते हैं कि कुत्ता भी ऐसे बोलता है, भौं भौं, हाय 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 हाय, भौं भौं, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे बोलते गाड़ी ठोक दिए मेरा। सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू आर वाचिंग अभी ब्लॉग। सो गाइस, अभी फिलहाल मैं हूँ दरभंगा बस स्टैंड के पास और यहाँ से मैं निकलूंगा सकरी की ओर और वहाँ से जाएंगे नारायणपुर की ओर, क्योंकि संजय मिश्रा जी का गाँव जो है वो नारायणपुर में है। 15 minutes later. So guys, हम लोग सकरी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सकरी चौक है और हम लोग को नारायणपुर के लिए यहाँ सकरी से राइट लेना होगा, इस रास्ते पे जाना होगा। चले चलते हैं अंदर और पहले पहुंचते हैं नारायणपुर और फिर आपको मैं दिखाता हूँ संजय मिश्रा जी का घर। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, क्योंकि भाई आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो गाइस, हम लोग सकरी सब निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बाजार पूरा है उस रास्ते का। ये काफ़ी तंग रास्ता, यहाँ काफ़ी जाम लगी हुई रहती है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, पूरा लंबा जाम है। चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम लोग अभी सकरी रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो सामने सकरी का रेलवे स्टेशन है। पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से नारायणपुर के लिए एक रोड निकलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला गेट। यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे और पहुंचेंगे नारायणपुर संजय मिश्रा जी के घर के पास। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं संजय मिश्रा के घर के पास और यही रोड जो जाती है वो उनके घर के पास जाती है। और आप लैंडमार्क के लिए याद रख सकते हैं, यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है पीछे, आप देख सकते हैं जैसे। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं उनका पूरा घर, देखते हैं कैसा है उनका घर। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं नारायणपुर संजय मिश्रा जी के पुश्तैनी घर में। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये घर की हालत कुछ खास नहीं है लेकिन संजय मिश्रा जी जब चाहे इसको बना सकते हैं। Yes, ये रहा उनका पूरा घर का टूर, यही उनका पूरा बचपन बीता था। लगभग 9 साल तक वो इसी घर में रहे थे, 9 साल के बाद वो बनारस शिफ्ट हो गए थे, लेकिन 9 साल तक उनका बचपन यहीं बीता है, इसी गांव में बीता है, इसी तालाब के किनारे बीता है। और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उनके कुछ रिश्तेदारों से। सबसे पहले मिलवाता हूँ उनके पोते से। तुम तो पोते हुए ना उनके। क्या नाम हो गया? My name is Vivek Kumar Mishra. ओहो, संजय मिश्रा। क्या नाम है छोटू आपका? अश्वर मिश्रा। और तुम्हारा क्या नाम है बाबू? तो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। वाह वाह, क्या बात है। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं, संजय मिश्रा जी का पूरा गुण इन लोगों में आ चुका है। और कुछ यादें बताएं उनके बारे में जिस जो आपको याद हो। जैसे कि आप लोग तो जन्म करते हैं कि वो बार बार आते हैं, लगातार आते हैं। वो जैसे कि 2019 में आते हैं, वो पूजा हुआ था दुर्गा पूजा, तो उस दिन आए थे। कुछ डायलॉग हो जाए उनके बारे में। अच्छा, छोटा पेट, अरे कुत्ते को छोड़ दो, लगता है फेसबुक बहुत तड़प रहा है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये क्या, कुत्ते तो घर के एक आदमी को काट लिया। ओ नो गोपाल, ओ नो, मुझे लग रहा है कि एग्जेक्शन देना पड़ेगा। ओ नो। और हम बताते, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री बना हुआ है, असल में बाउंड्री नहीं है, भूकंप के चलते पूरा घर टूट गया। यहाँ पे वो बड़ा सा घर हुआ करता। अच्छा, इस साइड घर हुआ करता था और इस साइड भी, और इस साइड भी हुआ करता था, बीच में आंगन था, है ना। यहाँ पे पूरा फूल, एक लाइन से यहाँ पे फूल पूरा लगा रहा, यहाँ पहले फूल हुआ करता था और इस साइड घर और इस साइड घर हुआ करता था, है ना। लेकिन भूकंप के कारण ये सारा टूट गया। सो गाइस, देख सकते हैं आप इसे घर के, इनके घर के चारों ओर ये सारी चीजें हैं। सो गाइस, उनके घर आए और उनका घर का टूर अंदर से ना देखें, भले टूटा ही क्यों ना हो लेकिन देखना जरूरी है। तो चलिए आपको मैं अंदर का पूरा टूर देता हूँ, अंदर से घर कैसा था। आइए चलते अंदर। ओके ओके ओके, चलिए गाइस चलते अंदर
और आप ये देख सकते हैं, देखिए ये संजय मिश्रा का झाड़ू, जिस संजय मिश्रा इस झाड़ू से सबको मारते हैं। सो ये एक घर था, आप देख ही पा रहे हैं उसके और अंदर है। अभी कुछ ऐसी हालत में इनका घर है पूरा, आप देख सकते हैं कड़क गया। और ये छोटू एंजॉय करते हुए इस घर में। छोटू जी सुनिएगा तो, आप ये यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं कल ही से रहता हूँ। मैं संजय दादाजी की, ये हो गई मेरी बहन हो गई है, संजय दादाजी की बेटी या पोती। फिर ये हो गई मेरी कौन दादी, और ये बगल में मेरी दादी है, उनका पूरा चेहरा नहीं दिखा मतलब उनकी बहन है ना। हाँ